बस बता दें जब कहीं शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग का मकसद दो रीसेंट ओवरसीज विजिट्स है, एक जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक स्पेशल मीटिंग हुई रियाद में, जिसको लीड किया प्राइम मिनिस्टर साहब को इनविटेशन थी, मुझे भी इनविटेशन थी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे डेलीगेशन के साथ वहाँ गए। और एक वो है, दूसरा जो 15वां ओआईसी का इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई है गैम्बिया में, तो इस हवाले से आपसे फैक्ट शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो रियाद में जो मीटिंग हुई उसका जो उनका जो थीम था वो रीडिफाइनिंग द ग्लोबल हेल्थ एजेंडा और फिर ग्रोथ एंड एनर्जी क्लाइमेट चेंज वगैरह था। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ काफ़ी कैबिनेट कॉलीग्स भी थे, मैं भी था, फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, पावर मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, काफ़ी यानी भरपूर हमारी पार्टिसिपेशन थी। और जो इग्विल आपने सुना होगा और आपको आई एम श्योर पता है, जो इनफॉर्मल गैदरिंग जैसे कहते हैं, इनफॉर्मल गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर्स इग्विल, तो उसके चार थीम्स थे। दो जो थे वो ग्लोबल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एजेंडा के ऊपर एक था, और एक इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांसमिशन और ट्रांजिशन के ऊपर था। वो पाकिस्तान की उन दोनों फोरम्स में मैंने नुमाइंदगी की। पीएम साहब ने ख़ुद जो है वो रीडिफाइनिंग द ग्लोबल हेल्थ एजेंडा और ग्रोथ के हवाले से दोनों फोरम उन्होंने किए, अटेंड किए। और हमारे कॉलीग फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फिनटेक और क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने, तो चूँकि वो शेयर्ड और डिस्पर्स पूरा प्रोग्राम काफ़ी होता है, स्प्रेड ओवर डिफरेंट ग्रुप्स, तो इसके अलावा जो पीएम साहब की जो मीटिंग्स हुई बायलैटरल, उसमें पीएम की मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ और फिर एमडी के आईएमएफ के साथ, प्रेसिडेंट इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ और बिल गेट्स के साथ हुई। आपको पता है कि बिल गेट पाकिस्तान में पोलियो इरेडिकेशन और वैक्सीनेशन के हवाले से काफ़ी कोऑपरेशन मुख्तलिफ अदवार में करते थे और करते हैं। पीएम की इसके अलावा जो मीटिंग्स हुई, जो हमारी बायलैटरल सऊदीज के साथ जो एक प्रोसेस चला रमजान शरीफ के आखिरी अशरे में, जब वज़ीर आज़म साहब 2.5 दिन के दौरे पर गए, वो हमारी बाय द वे प्राइवेट विजिट थी लेकिन उम्रे की वजह से, लेकिन उसके अलावा जो उस वक्त जो मेन डिस्कशन हुई कि नई गवर्नमेंट आ चुकी है और हम कैसे एक दूसरे को एंगेज करें सीरियसली, ताकि दोनों मुल्कों में इन्वेस्टमेंट के में फ़रोग आए और साथ साथ ट्रेड जो है हमारी वॉल्यूम उस पर बेहतरी की जाए, तो उस हवाले से आपने देखा कि जो ही हम वापस आए तो ईद के फौरन बाद उनका एक बड़ा एक भरपूर डेलीगेशन आया उनके वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में, यहाँ वो काफ़ी डायलॉग हुए और वो सिलसिला अब वेफ पे भी जारी रहा। जब हम गए तो हमारी मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर साहब की जो हुई वो सऊदी मिनिस्टर फॉर एनर्जी, सऊदी मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, सऊदी मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, उनका जो गवर्नर सेंट्रल बैंक है सामा, सऊदी अरेबिया मॉनिटरिंग एजेंसी जिसे कहते हैं, सऊदी मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट वाटर एंड एग्रीकल्चर और सऊदी मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग और लास्टली सऊदी मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी जो यानी स्पेसिफिक पाकिस्तान स्पेसिफिक ये मीटिंग्स थी कि जी हम एक दूसरे के साथ जो कॉपरेशन हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस ने रमज़ान शरीफ के आखिरी जो हमारी 2.5 दिन की विजिट थी उसमें जो कहा था कि हम बड़ी जल्दी और बड़ी तेज़ी के साथ इन वेरी फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर काम करेंगे, तो ये उसी का नतीजा था। और आपने देखा कि अभी उसके बाद एक बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस डेलीगेशन जो है बिजनेस के लिए, वो एक डेलीगेशन सऊदी डिप्टी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर लेके आए परसों रात। मैं तो गैम्बिया से उस वक्त मुकम्मल करके ट्रेवल करने वाला था पाकिस्तान के लिए,
तो ये डेलीगेशन भी बहुत ही डिटेल्ड एग्जॉस्टिव इनकी कल इंटरेक्शन हुई, जो मुझे आज प्राइम मिनिस्टर साहब की सुबह कैबिनेट मीटिंग में ब्रीफिंग दी गई, और वो काफ़ी यानी खुश थे और काफ़ी इम्प्रेस थे कि पाकिस्तान, क्योंकि हम थोड़ा सा स्लोनेस की वजह से भी मशहूर हैं, लेकिन जितनी फास्ट ट्रैक रमजान शरीफ के आखिरी अर्शे से अब तक जो मामला चल रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान मैं समझता हूँ अगर इसी स्पीड पे आगे चले तो इंशाअल्लाह हमारी काफ़ी हद तक फ्यूचर इंशाअल्लाह रोशन हमारा मुस्तबिल होगा। इसी रियाद के ट्रिप में जहाँ हमने मेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इग्वल की सारी पार्टिसिपेशन की और प्राइम मिनिस्टर की, उसके अलावा मेरी जो तीन वहाँ इम्पॉर्टेंट बायलेटर मेरे हुए, एक सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ, दूसरा मलेशिया के फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ, और जो सेक्रेटरी जनरल हैं डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन DCO, तो ये तीनों हमारी वहाँ ये जो मीटिंग थी वो बहुत ही बड़ी फ़ायदेमंद और भरपूर फ्यूचर डिस्कशन थी कि हमने कैसे आगे चलना है। तो मैं समझता हूँ कि जो जितनी पाकिस्तान की डेलीगेशन में नुमाइंदगी थी, जिसमें SIFC की भी जो हमारी एक नया सेटअप है, पिछले साल आपको याद होगा कानून के ज़रिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी थी और जिसको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लॉ के अंदर रखा गया है, वो भी मैं समझता हूँ कि सब ने अपनी भरपूर जिम्मेदारी निभाई और उसके डिविडेंड्स अल्लाह के फजल करम से नज़र आ रहे हैं। फिर इसी तरह जो अगला इवेंट था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद वो रियाद में था, और वहाँ 30th जो आखिरी दिन था यहाँ वाइंडिंग अप का, और जो कि सारा समिट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद जो वज़ीर आज़म साहब की सऊदी क्राउन प्रिंस से मीटिंग हुई, और उसमें भी ये तमाम चीज़ों का अयादा चला मिल के फास्ट ट्रैक पे काम करना है। तो 30 को सेक्रेटरीज लेवल की जो OIC 15वां इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस थी गैम्बिया में, अफ्रीका का मुल्क जो गैम्बिया है, उसके हवाले से सेक्रेटरी साहबान की जो मीटिंग ऑफिशियल मीटिंग 30 को थी और 1 को थी, हमारे सेक्रेटरी खारजा और उनकी टीम वहाँ रियाद से सीधी पहुँच गई, और 2nd and 3rd को जो कि उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इस इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस जो होती है जब भी, तो 2 दिन पहले जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो तफसील के साथ सारे काम को डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और फिर ड्राफ्ट जो डिक्लेरेशंस होनी होती हैं और जो कम्युनिके इशू होना होता है उसके ऊपर तैयारी करती है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। तो पाकिस्तान की ज़ाहिर है मैंने नुमाइंदगी की 2 और 3 तारीख मई को बंजोल गैम्बिया का जो कैपिटल है उस वहाँ, और वहाँ भी भरपूर जो है ममालिक जो 57 कंट्रीज़ का ये जो एक फोरम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की यहाँ एंगेजमेंट्स की वजह से जो 4 और 5 को समिट होना था उसकी भी ड्यूटी मेरी लगी कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना सिर्फ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर में करूँगा 2 और 3 तारीख को, 4 और 5 को जो 15वां इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस होगी उसके ऊपर भी मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँगा। हमारी जाते ही मैंने सेक्रेटरी जनरल OIC से भी तफसील से मीटिंग की, मेरे 3 मेजर एजेंडा आइटम्स थे, बाकी तो जाहिर है कि आपने डिक्लेरेशन देखी होगी करीबन 300 से ज़रा कम 292 के करीब पैरस पे वो डिक्लेरेशन है जिसमें हमने इकट्ठे मिलकर काम किया और एग्री किया, और ये जो कम्युनिके है जो डिक्लेरेशन है वो करीबन 3 सफ़े की है, उसमें वो उसकी समरी समझ लें। तो मेरा जो था कि एक हम जो गज़ा के ऊपर हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए भरपूर कोऑपरेशन आपस में करनी, और फिर एक भरपूर अंदाज में
एक फैसला करना। दूसरा मेरी जो एजेंडा आइटम थी पाकिस्तान के हवाले से, वो जो हमारी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की डिस्प्यूट है, वो था। और तीसरा जो था, एज ए मुस्लिम एंड एक लीडिंग मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, जो इस्लामोफोबिया दुनिया में अरूज पकड़ता जा रहा है और तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, उसके ऊपर बातचीत करनी और एंगेज करना, और उन हम ख्याल जो ममालिक हम सारे वहाँ बैठे हैं, एक कोई लाया अमल तैयार करना। तो ये तीन मेजर एजेंडा थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीनों के ऊपर भरपूर अपनी जिम्मेदारी पूरी टीम ने निभाई। और ये जो हमारा पहला गजा के हवाले से था, वो उसका जो क्रक्स है वो मैं अर्ज कर देता हूँ कि हमने, और ये वहाँ अब पार्ट ऑफ दी डिक्लेरेशन और कम्युनिके ये आ चुका है कि इमीडिएट एंड ऑफ इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फोर्स एंड इनह्यूमन सीज ऑफ गजा बाय इजराइल, अनइम्पीडेड फ्लो ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द बेसीज पीपल ऑफ गजा, एन इमीडिएट एंड अनकंडीशनल सीज फायर इन गजा, रिटर्न ऑफ डिसप्लेस्ड पैलेस्टीनियन पीपल टू देयर होमलैंड, accountability for the war crimes committed by Israel with impunity, the UN's Security Council to ensure immediate implementation of resolution 2728 for cessation of hostilities, earliest resumption of an inclusive, transparent and irreversible peace process to secure the realization of the two state solution for Palestine, a reactivation of OIC ministerial committee on Israeli aggression against the Palestinians, Pakistan offered to assist the committee, committee's efforts, and also stoppage of all Israeli settlements in occupied Palestinian territories and relinquishment of all usurped Palestinian properties. ये हमारी core demands थी जो कि इस वक्त declaration और वहाँ की जो communique जो कि historic document है उसमें ये सारी की सारी चीज़ें उसमें record हो चुकी हैं। कश्मीर के ऊपर भी, और हमने ये भी कहा कि जी उस वक़्त तक मिडल ईस्ट में अमन कायम नहीं होगा, जो मेरी तकरीर थी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, जब तक एक पैलेस्टीन और का इशू जो है वो हल नहीं होगा, जब तक ये एक इंडिपेंडेंट एक स्टेट के तौर पे इसको दिल से तस्लीम नहीं किया जाएगा, जब तक 1967 जो है 67 के जो बाउंड्रीज थी उसके हवाले से ये पैलेस्टीन और अलकुदस शरीफ जो है वो इसका कैपिटल नहीं होगा। ये हमारी कोर जो मैसेजेस थे वो ये थे। और इसी तरह इसी समिट में मैंने कहा कि जिस तरह मुसलमान ममालिक जो हैं वो पैलेस्टीन और गजा के लिए जो सिचुएशन है, कोई इंडियन इलीगली हेल्ड जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, वो कोई डिफरेंट नहीं है। वहाँ जो कुछ हो रहा है वो भी करीबन पैरेलल है, यानी इंसानियत के ऊपर वो मजालम जो ढाए जा रहे हैं, जो इनोसेंट हमारे बहन भाई कश्मीरी के ऊपर जो मजालम और जो कुछ वहाँ प्रॉपर्टीज और डेमोक्रेटिक चेंजेस हो रही हैं, तो उसके हवाले से जो कोर हमारी डिमांड्स कह लें या हमारे मैसेजेस थे वो ये थे कि ये जो मैं उसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली हमने वहाँ ये रिकॉर्ड चीज़ें की हैं, कंडेम सर्ज इन एंटी पाकिस्तान रेटोरिक एंड इस्लामोफोबिक नैरेटिव्स बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग द ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शन। आपने देखा कि जिस किस्म के वो बयान दे रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि कोई रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए अच्छा ओमन नहीं है। वी कॉल्ड अपॉन OIC टू कन्विंस इंडिया, नंबर वन, रिवोक इट्स यूनिलैटरल एंड इलीगल एक्शंस of 5th August 2019 and the subsequent steps. Number two, halt the ongoing human rights violations in the Jammu and Kashmir. Agla, release immediately the political prisoners, human rights defenders and dissenters, including Mr. Yasin Malik. Next, provide solemn assurances that it will not change the occupied territory's demographic composition and not allow non-Kashmiris to acquire voting rights, property or residency in Jammu and Kashmir. Next, repeal its draconian emergency laws and withdraw its heavy military presence from Kashmiri cities, towns and villages. Second last, provide unhindered access to UN, OIC and international media
टू रिपोर्ट ऑन द सिचुएशन इन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड लास्टली इम्प्लीमेंट फुली द रेलिवेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन एंड अलाउ द कश्मीरीज टू फ्रीली एक्सरसाइज द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्रू अ यूएन सुपरवाइज्ड प्लेबिसाइट। ये हमारा कोर वहाँ फोकस था, कोर मैसेजेस थे। और इस हवाले से मैं आपको एक और चीज़ अर्ज करूँ कि OIC के 11 कॉन्टेक्ट ग्रुप्स हैं OIC के अम्ब्रेला के नीचे, जिसमें एक ग्रुप है OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर। पिछले काफ़ी सालों में समिट जब होल्ड जब हुए हैं तो इस कॉन्टेक्ट ग्रुप की कोई मीटिंग नहीं हो सकी, और इस दफ़ा भी किसी कॉन्टेक्ट ग्रुप की मीटिंग नहीं हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डेलीगेशन ने, जो मेरी जिम्मेदारी थी, हमने राइट फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग विद द यूनाइटेड अपना OIC सेक्रेटरी जनरल के साथ ये टेकअप किया कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि समिट के साइड लाइन के ऊपर ये OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर की मीटिंग होनी चाहिए। उसके लिए जो हमारे क्लोज ब्रदरली ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, मलेशिया है, अपना गैम्बिया इटसेल्फ और सोमालिया, कई मुल्कों से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनके साथ मेरी जो बायलैटरल मीटिंग हुई उन पर भी मैंने इस पे जोर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक वाहिद जो एक कॉन्टेक्ट ग्रुप की मीटिंग हुई वो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्टेक्ट ग्रुप की मीटिंग थी। उसमें जो उसके मेम्बर ममालिक हैं उन्होंने उसको अपना अटेंड किया। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की बड़ी प्रेसिंग एंगेजमेंट थी और उनके साथ उनके डिप्टी मिनिस्टर आए थे, उनको उन्होंने उस सिर्फ मीटिंग के लिए छोड़ा क्योंकि समिट के इख्तिताम के नेक्स्ट मॉर्निंग ये मीटिंग, जिस दिन कंक्लूडिंग सेशन था और ये मीटिंग कट्ठी एक ही दिन हमने फिक्स करवाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जो हमारी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से थी, वो हमने भरपूर तरीके के साथ अपनी जिम्मेदारी, एक कौमी जिम्मेदारी निभाई। जो मैंने अर्ज किया कि जो तीसरा मेरा बहसियत एक मुसलमान ममालिक में से पाकिस्तान एक बहुत ही प्रोमिनेंट मुल्क है और उसका एक वज़ीर ख़ारजा होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि मेरी बुनियादी मुसलमान इवन होने की हैसियत जिम्मेदारी थी, वो इस्लामिक फोबिक कॉन्टेंट था। तो हमने इसको हर लेवल पे हमने इसको टेकअप किया। ये मेरे समिट के स्पीच जो थी उसमें भी उसका हिस्सा था, और साथ हमने एक उनको एक यानी सोल्यूशन प्रपोज किया कि एंटी सेमिटिज्म के हवाले से तो दुनिया के जो जितने सोशल मीडिया बड़े ग्रुप्स हैं वो जितना उस रिलीजन के हवाले से जो होता है होलोकॉस्ट के हवाले से भी वो मटेरियल को सोशल मीडिया ऐप्स जितनी है उसमें डिलीट करवा देते हैं, कर देते हैं। हम मिलके 57 मुल्क हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई बदअकीदा किस्म का मटेरियल हो, हमारे होली बुक, हमारे कुरान हकीम के बारे में हो, हमारे रिलीजन के इस्लाम के हवाले से हो, तो ये क्यों नहीं डिलीट हो सकता। तो आपको खुशी होगी ये सुन के कि ये भी अब इस कम्युनिके का हिस्सा है। ये माना गया कि हमें मिलके ये एफर्ट करनी चाहिए, और ये सिर्फ वो क्या कहते हैं शुफ्तन इस तरह बर्खास्तन वाली बात नहीं है, ये कम्युनिके का हिस्सा है। और जो अच्छी बात ये हुई इस समिट में कि OIC के सेक्रेटरी जनरल ने अपना स्पेशल एनवॉय इस्लामोफोबिया पे मुकर्रर कर दिया है। आपको याद है कि पाकिस्तान ने UN के फोरम के ऊपर काफ़ी एफर्ट्स की पिछले एक साल में, और आपको याद होगा कि मेजर्स टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया वहाँ हुआ, UN के सेक्रेटरी जनरल ने अपना एक स्पेशल एनवॉय इस टॉपिक पे किया। लेकिन मैंने ये वहाँ रियलाइज़ करवाया समिट में और ख़ासकर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में कि ये बुनियादी हमारी जिम्मेदारी है, ये 57 ममालिक जो हैं ये इनकी जिम्मेदारी है, इनकी यानी इस्लामी जिम्मेदारी है कि ये इसको निभाएं। तो आपको खुशी होगी कि ये फैसला हो गया, बल्कि इस पर काफ़ी बहस मुबाजा हुआ कि इन्वॉय होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैंने यही अर्ज़ किया, मैं ममालिक का नाम नहीं लेता क्योंकि ऐसे फोरम पर हर चीज़ पर बहस होती है, उसके प्रॉस कौन देखे जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली इट वाज अप्रूव्ड। और जो पाकिस्तान में इस वक्त तुर्की के सफीर हैं इनको OIC के सेक्रेटरी जनरल का स्पेशल एनवॉय मुकर्रर कर दिया गया है। इसकी अप्रूवल काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स में हुई और इसको रेटिफाई जो 15th इस्लामिक समिट
कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भी सरब्राहान की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इसको अब अप्रूव अडॉप्ट कर लिया गया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छी डेवलपमेंट है। हमें इसको जैसे हम गजा को परसू करते हैं, जैसे हम कश्मीर को परसू करते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी और फोर्स के साथ अपनी ये अपनी आईनी, ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है, वी आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अपनी आईनी मुल्की और अपनी अपनी इस्लामी जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए और इंशाल्लाह निभाएंगे। इसके अलावा जो हमारी जो डेलीगेशन था, मेरे साथ सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर भी थे और हमारे रेलेवेंट मिशन के लोग थे। चूंकि हमारी एम्बेसी गैम्बिया में नहीं है तो हमारी जो सेनेगाल में एम्बेसी है वही गैम्बिया को भी लुक आफ्टर करती है, तो हमारे गैम्बिया से हमारी सफीर मोहतरमा साइमा सईदा साहिबा भी वहाँ थी अपनी पूरी टीम के साथ, हमारे फॉरेन ऑफिस की टीम भी थी। तो हमने ये समिट में तो अपनी पूरी जिम्मेदारी की और साथ साथ हमने काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का भी सारा यानी जिम्मेदारी निभाई। इसके साथ मौके को अवेल करते हुए जो मैंने बायलैटरल मीटिंग्स की जिसमें बेसिकली पाकिस्तान की ट्रेड, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए डिस्कशंस और म्यूचुअली एंगेज होने के लिए की, उसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ गैम्बिया के साथ मेरी बायलैटरल मीटिंग हुई, उसके बाद जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सोमालिया के साथ मीटिंग हुई, प्रेसिडेंट शी ने अपना स्पेशल इन्वॉय भेजा था जो कि उनकी स्टैंडिंग कमेटी जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उसके वो वाइस चेयरमैन है, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पोलिटिकल पोस्ट इन चाइना, और उन्होंने ही केम ए स्पेशल इन्वॉय ऑफ प्रेसिडेंट शी टू दी ओआईसी। तो उनके साथ हमारी बड़ी भरपूर मीटिंग हुई, उनके कुछ व्यू पॉइंट थे जिसको हमने भरपूर सपोर्ट, न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि कैरी करवाया, और वो बहुत उस पर पाकिस्तान के मशहूर थे। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी मैंने आपको बताया, और जो फॉरेन मिनिस्टर के साथ जिनके मेरी मीटिंग हुई उसमें सऊदी अरेबिया, तुर्की, कुवैत, इजिप्ट, अजरबैजान, गैम्बिया, नाइजर और कतर, ये वो ममालिक थे जिनके साथ ये करीबन 12 हमारी चार मीटिंग जो यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या स्पेशल एनवॉय वो 4 और 8 फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स हुई। इस पर हमारी मोफा की जो टीम थी मेरे साथ और जो सेनेगाल से हमारी एम्बेसी के सारे लोग थे एम्बेसडर साहिबा समेत, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्रोडक्टिव और बड़ी मीनिंगफुल मीटिंग्स हुई। तो इसके अलावा हमने एक साइन किया है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान काफ़ी ममालिक के साथ बायलैटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशंस के हवाले से BPC जैसे कहते हैं वो MOU बहुत मुल्कों से साइन हुआ हुआ है। गैम्बिया के साथ हमारा नहीं था तो फिर ये जो था MOU वो मैंने और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने गैम्बिया ने ये इस मौके के ऊपर किया, जो कि यहाँ फिर इंशाल्लाह कैबिनेट को रेटिफाई करेगी और ये हमारी दूसरे ममालिक की तरह इनके साथ भी ये हमारी बायलैटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशंस, वहाँ भी बहुत स्कोप है, मुल्क छोटा है, इस्लामी है, लेकिन वहाँ भी बहुत स्कोप है कि वो हर चीज़ जो है किसी और मुल्कों से आ रही है हमारे बिजनेसमैन उसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एट दी एंड ये जो उसका नेट जो रिज़ल्ट था वो था कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पैलेस्टीन के ऊपर रेजोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह अडॉप्ट हुई कंसेंसस के साथ, OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप कश्मीर के ऊपर मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ वाहिद कॉन्टेक्ट ग्रुप की मीटिंग इस मौके के ऊपर जो 5 जो मई था जिस दिन कंक्लूडिंग सेशन था हमारा समिट का उस दिन वो भी हुई, और तीसरा जो बेंजोल डिक्लेरेशन थी वो भी अप्रूव हुआ, और जो कम्युनिके था इसमें पाकिस्तान की जो टीम है मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ फॉरेन सेक्रेटरी को और पूरी टीम जिसने मेरा साथ दिया वहाँ, और जो सेनेगाल से जो पूरी टीम आई थी हमारी एम्बेसी की, उन्होंने दिन रात मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह अपना पाकिस्तानी होने का फर्ज निभाया। तो मैं सिर्फ चाहता था कि मैं आगे भी मेरी कोशिश होगी मुस्तकबिल में भी कि ऐसी को विजिट्स हों तो आपको कॉन्फ्रेंस में लिया जाए वापस आके, जैसे मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर भी यू नो फ्रीक्वेंटली आप लोगों से इंटरेक्शन करता था, आपको अपडेट रखता था, तो कई चीज़ें आप नज़र से गुजर भी होंगी, कई चीज़ें आपने मिस भी की होंगी। तो दिस इज़ दी यानी ब्रीफ समरी जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड 15th OIC इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस इन गैम्बिया। तो विद दीज वर्ड्स बहुत शुक्रिया, अगर कोई सवाल करना हो तो मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम अनवर अब्बास साहब,
जी सागदार साहब, अनवर अब्बास से एक न्यूज से मुझे आपसे ये जानना कि उमर अयूब साहब ने रिसेंटली एक दावा किया है कि फॉरेन ऑफिस की एडवाइस पे उनकी अमरीकी स्पीड डोनाल्ड आर्मिन ब्लूम से मुलाकात हुई, क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं? शुक्रिया जी। देखिए ख्वातीनों हजरात, मैं समझता हूँ कि फॉरेन ऑफिस जो है वो उसका जो एक जिम्मेदारी है वो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हवाले से और जो उनकी जिम्मेदारियों में जो काम है वो उनको बिला तफरीक उसको चाहिए कि वो उसको अपना अदा करें। मैं ऑब्वियसली एक पॉलिटिशियन हूँ, अपनी जिम्मेदारी मेरी है इस हुकूमत के जो मुझे पोर्टफोलियो दिया है फॉरेन मिनिस्ट्री और उसके अलावा जो मेरी जिम्मेदारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ऐड हुई है। तो मैं आपसे हकीकत शेयर कर लेता हूँ, हमने अरेंज नहीं की, नोट वर्बल जैसे आप समझते हैं कि जो अम्बेसीज भेजती हैं वो फॉरेन ऑफिस को मार्च में मिला सऊदी सॉरी अमरीकी सफीर साहब की तरफ से कि वो इन इन लोगों से मिलना चाहते हैं और उसमें हकूमती बेंचों के भी लोग थे पार्लियामेंट में और अपोजिशन के भी थे। मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत की ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि हमने ये नहीं कहा कि ये मिलें या ये ना मिलें, और वो मनोअन जो जिनको मिलना चाहते थे हमें कोई इतराज़ नहीं, आफ्टर ऑल वो उनको अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में वो नॉमिनेट हुए हैं अपनी स्ट्रेंथ के हवाले से, नोटिफाई हो चुके हैं। ये इलाहदा बात है कि कभी वो हमारे साथ भी थे, वो कभी मेरे जूनियर होते थे, वो पॉलिटिकल एफिलिएशन ए पार्ट, लेकिन मोफा ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाई है और इस पर मुझे कोई यानी नहीं है रिजर्वेशन टू कंफर्म। लेकिन हमने ये ना इनिशिएट की है ना ये प्रपोज की है, कुछ इम्प्रेशन जो आपके सवाल से ये जो मैंने क्लिप देखा है वो इस तरह का है कि जैसे एज इफ मोफा हैज अरेंज, नो इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द यूएस एम्बेसडर इन इस्लामाबाद, लेकिन नॉट ओनली फॉर मीटिंग उमर अयूब साहब बट ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑन बोथ यू नो साइड ऑफ द हाउस, अपोजिशन में भी ट्रेड बेंचेस में भी, जिसको हमने उनको कहा कि फाइन दिस आप करें जो मिलना जो मिले। जी सर, सर को दें। डॉक्टर साहब, ओआईसी समिट में आप तशरीफ ले गए और उससे पहले रियाज में भी, और आपने सेंसिटाइज किया कि कश्मीर के मसले के ऊपर उन लोगों की तवज्जो होनी चाहिए। ये बहुत अरसे के बाद हमने ये देखा कि ओआईसी में ओआईसी कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप की मीटिंग हुई है। एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या फील किया कि क्योंकि 22 कैरली से पहले जो 4 साल थे उनमें पाकिस्तान के लिए गुडविल इतनी अच्छी नहीं रही दुनिया में, और आपने क्या महसूस किया कि कोई मिजाज में कोई सोच में तब्दीली आई है? और जो सवाल है वो ये है कि आपने उनसे एग्री किया कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर जिस तरह सेमिटिज्म के खिलाफ वो पूरी दुनिया या वेस्ट लड़ता है और आप इस्लामोफोबिया के सब्जेक्ट पे उनसे कंटेस्ट करेंगे, उसके लिए मॉडलिटीज क्या तय हुई है, किस तरीके से आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे? शुक्रिया। देखें साले साहब, ये तब्दीली की बात तो मुझे तो विजिबल तब्दीली लगी है, और ये तब्दीली जो है क्योंकि आपको इतनी मीटिंग्स आप नहीं कर सकते कि आप सबमिट भी करें, आप काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग भी करें, आप डिक्लेरेशन में भी एक एक पैरा एक एक लफ्ज़ पढ़ें और फिर उसमें भी 292 पैरे को बैठ के आधी रात तक बैठ के वहाँ अप्रूव करें। वर्चुअली आधी रात तक वो मीटिंग हुई अपना गैम्बिया में बेंजोल में, और उनके फॉरेन मिनिस्टर बींग होस्ट वो चेयर कर रहे थे। बाय द वे जो हमारी इनिशियल इंटरेक्शंस जो हुई, तो जो हमारी फॉर्मल मीटिंग काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान वाज इलेक्टेड वाइस चेयरमैन फ्रॉम एशिया, तो ये एक ऑनर थी कि हम वाइस चेयर इलेक्ट हुए। तो मैं तो तब्दीली फील करता हूँ। अब हमने कोशिश ये करनी है कि इस तब्दीली को हम ट्रांसलेट करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मीशत को बेहतर बनाने के लिए। और वो जो मैंने डे वन पे आके एक एक स्लोगन दिया था
अपने तमाम साथियों को मोफा में पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर कि कन्वेंशनल डिप्लोमेसी तो है ही है लेकिन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, और इसमें हम अगर हिम्मत करें, बिलीव मी साले साहब के आई फेल्ट कि देयर इज अ ट्रेमेंडस स्कोप कि हम अपना, हमारे जो बिजनेसमैन भी हैं वो देखते नहीं हैं अफ्रीका की तरफ, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी एक मुसलमान आबादी है, आपके हमसाया मुल्क से बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर की चीज़ें जा रही हैं, तो अगर थोड़ा फार्मास्यूटिकल, मैं उनको बताता रहा हूँ, केमिकल्स, आपका स्पोर्ट्स गुड्स, आपकी अपना मेडिसिन, बहुत चीज़ें, यू हैव ए लॉट ऑफ स्कोप्स, सर्जिकल गुड्स फ्रॉम सेल, तो वो मानते हैं, वो कहते हैं भी आप हमारे साथ, आपके मुल्क, अब हमारा है कि इनको जैसे हम सऊदीया के साथ कर रहे हैं, अगर हम एक टारगेट बना लें कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द टू यानी ट्विन डेफिसिट है, लेकिन ये ज़्यादा तकलीफ दे है क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका फॉरेन करेंसी का है और वो आप खुद प्रिंट नहीं कर सकते, उधार ही ले सकते हैं फॉरेन करेंसी जितनी आपकी इस साल का डेफिसिट होगा, इसी वजह से इसको ख़त्म करने के लिए आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, आपको अपनी मैन पावर एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी ताकि रेमिटेंसेस में इजाफा हो, और अल्लाह के फल से बहुत स्कोप है, मुझे बहुत है। दूसरा जो आपने फरमाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह, देखिए ये आई एम श्योर कि एंटी सेमिटिज्म के हवाले से एक दिन में नहीं हुआ होगा, उन्होंने जो ग्रुप्स थे उन्होंने भरपूर एफर्ट की होगी और मजबूर कर दिया कि उन सोशल मीडिया बिग प्लेटफॉर्म्स को कि जी आप ये करेंगे, तो एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे दिस ऑलवेज यू नो फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ लॉन्ग जर्नी, इसको मनवाना, इसको कम्युनिटी का हिस्सा बनाना, इस मॉडल के ऊपर उनको एग्री करवाना और फिर एक स्पेशल नॉय का अपॉइंट हो जाना, यू नो पर्टिकुलरली यू नो ओआईसी सेक्रेटरी जनरल स्पेशल एनवॉय ऑन इस्लामोफोबिया फॉर एग्जांपल, वहाँ ये भी बात हुई कि जी वो यूएन में अब उससे सेक्रेटरी जनरल ने अपना कर लिया, मैं कहा ये उनकी जिम्मेदारी कि हमारी जिम्मेदारी है, आर दे सपोज टू डिफेंड अवर रिलीजन और वी इनिशियली वी शुड डिफेंड अवर रिलीजन एंड टेक ऑल दी स्टेप्स, तो ये मैं समझता हूँ कि ये काम शुरू हो गया है और अपॉइंटमेंट में भी जैसे थोड़ी सी हैसल होती है जी ऐसे फोरम्स पे, लेकिन अप्रूव हुआ और ये इंशाल्लाह अगर हम इसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ सब मिलके करेंगे तो आई थिंक के आफ्टर ऑल ग्लोबल हाउसेस ने इन्हीं मुल्कों के साथ 57 मुल्क हैं डील करना होता है जी। आजाद सैयद साहब, मेरे दो सवाल हैं, एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से, एक फॉरेन ऑफिस फॉरेन रिलेशंस के हवाले से। डार साहब एक बताइए कि आप ज़ाहिर है पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं और जब से आप फॉरेन मिनिस्टर और बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो आपकी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई इंटरनेशनल फोरम पे, तो पाकिस्तान ने एक्स सर्विसेज को बंद कर रखा है जिससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, तो काइंडली इसके बारे में कुछ शेयर करेंगे एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के एक्स के हवाले से क्या पॉलिसी होगी आपकी। दूसरी ये बताइए कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने गंदम के हवाले से जो हालिया मीडिया के ऊपर हेडलाइंस चल रही हैं, उन्होंने कहा कि आप से पूछा जाए क्योंकि आप ईसीसी के हेड थे और आपने डिसीजन लिया था, तो काइंडली इन दोनों बातों पे जी मेहरबानी। आपने आजाद सैयद साहब जो पहला फरमाया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से और एक सर्विसमैन, देखें हमारा आइन पूरी तरह देता है आज़ादी राय का इख्तियार है और हमें मुझे याद है कि 18वीं तरमीम में रजा रवानी साहब ने, मैंने गालबन 19A है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 19A तो वो हमने इसको बीफ अप किया, मुझे याद है 14 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और चूंकि आई वॉज कॉन्ट्रीब्यूटर तो मैं उसका बिलीवर हूँ। हैविंग सेड दैट, लेकिन एक मादर पिदर आज़ाद जो है ना जी राय कि आप कहें जी मुझे उठ के इस्लाम के खिलाफ बोलने दिया जाए, मुझे स्टेट को बोलने दिया जाए, मुझे स्टेट फिर ये करें कि आप प्रवोक करेंगे अपनी स्पीच से कि जाके स्टेट के अदारों के ऊपर आप हमला कर दें, आप GHQ हमला कर दें, आप जिना हाउस पे हमला कर दें, आप तनसीबात पे हमला कर दें। मेरा ख्याल है कि कोई भी स्टेट या मुल्क इसका मुतमल नहीं हो सकता, और सो देर आर सर्टन बाउंड्रीज, और
अब हमारा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशियल प्रोसेस, हमारे डेफामेशन एंड लाइबल लॉज हैं तो सही, लेकिन उस पर मैंने जिंदगी में सही तरह अमल दरामद करते हुए नहीं देखा गया। अब मैं विदाउट नेमिंग टू चैनल्स हियर, मैं लंदन में था, दे जस्ट एयर्ड अनलकीली दे एयर्ड मेरे खिलाफ को बात लंदन में भी, आई वन फ्रॉम बोथ चैनल्स इन द यूके, लंदन हाई कोर्ट से मैंने उनके खिलाफ डैमेजेस सूट को विन किया, मुझे यानी करोड़ों की उनको डैमेजेस देने पड़े। ये अलहदा बात है कि मैंने वकीलों की फीस के अलावा अपने लॉयर को लिखा कि दे के बाकी सारा चैरिटी में दे दे, तो दो दो चैनल्स को, तो क्या हम वो नहीं ला सकते? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में देर आर सर्टन बाउंड्रीज, रिलीजियस बाउंड्रीज है, उसके ऊपर आपकी स्टेट की जिम्मेदारी है, आपका जो पर्सनल और बेसलेस या झूठा नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे हमारा आईन और कानून बिल्कुल पूरी तरह उसकी आज़ादी देते। जो आपने दूसरा सवाल किया, ये शायद काकाना भाई साहब वाला, मैंने भी जो सोशल मीडिया ज़ाहिर आता है जब वाइल आई वाज ट्रेवलिंग, तो वो मुझे फ्रेंकली उनकी एग्जैक्ट बात समझ नहीं आई कि क्या वो ये कह रहे हैं कि मुझसे पूछा जाए कि ECC में कैसे होता है, या वो ये कह रहे हैं कि ECC में जो इनिशियल इम्प्रेशन कुछ ट्वीट से मुझे लगा कि शायद इफ आई हैव गिवन दैट परमिशन। तो सबसे पहले तो मैं कैटेगोरिकली ये क्लियर कर रहा हूँ कि 9 अगस्त की रात को जब हमारी हुकूमत 2023 में मियां शबाशी साहब की क्यादत में वज़ारत उज़्मा में ख़त्म हुई, और उन्होंने दो दिन पहले खत लिख के उसको ख़त्म किया, तो मैंने कोई ECC की किसी भी अपना मीटिंग में वीट की परमिशन की इजाज़त नहीं दी, नंबर एक। नंबर दो, ये मुझे टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी अर्ली अगस्त में समरी आई कि जी गंदम की दरामद की इजाज़त दी जाए। शायद काकान अबाजी साहब 14 जून तक ECC के मेंबर थे, आपको याद होगा कि वो काबीना का हिस्सा नहीं बने, लेकिन शायद साहब एनर्जी कमेटी के चेयरमैन थे, और उस कैपेसिटी में ही वाज मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो जो कैबिनेट कमेटी मैंने सितंबर 2022 से 14 जून तक की मैंने चेयर की, उसमें शायद काकान साहब वॉज ए मेंबर ऑफ दैट ECC। 14 जून को उन्होंने अपनी कोई ज़ाती मसरूफियात या रीजंस की वजह से मुझे एड्रेस टू मी उन्होंने मुझे रिज़ाइन दिया और एक्नॉलेज किया और शुक्रिया अदा किया कि द ट्रस्ट रिपोज्ड इन हिम। वो ओरिजिनल मैंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भिजवा दिया और उसके बाद वो नहीं थे। 14 जून के बाद की ये गंदम की समरी है, और अगस्त में के शुरू में फर्स्ट वीक में जहाँ तक मुझे याद है या एंड ऑफ फर्स्ट वीक, तो उसमें ये समरी ज़रूर आई थी और इसको मैंने अप्रूव नहीं किया था, क्योंकि जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स थे और जो अदारे थे और जो मिनिस्ट्री थी वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकी थी या चेयरमैन ECC के वाकई पाकिस्तान को इतनी गंदम की ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं कैटेगोरिक विद एनी फियर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वो समरी जो ECC मैंने 9 अगस्त तक चेयर की उसमें कोई अप्रूवल नहीं था। और तीसरा, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक इसके ऊपर एक कमेटी बना दी हुई है, और आई वुड रिक्वेस्ट के जब उसकी रिपोर्ट आए इसको पब्लिक किया जाए, क्योंकि जो मैंने नंबर्स जो देखे हैं सोशल मीडिया में, करीबन 3.6 मिलियन मैट्रिक टन्स इम्पोर्ट हुई है, 3.599 इस तरह का नंबर है। तो ये रिपोर्ट मैं समझता हूँ कि कौम की अमानत है, कौम से शेयर होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है प्राइवेट सेक्टर ने भी अगर की है तो आफ्टर ऑल हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बड़ी स्केयर्स थी खासकर उस ज़माने में। तो मैं आपको बड़ी अब मैंने जैसे कहा मुझे नहीं पता कि जनाब मेरे वो कोलीग भी रहे हैं, वो 2017 तक उस वक्त भी ECC के मेंबर थे, ही वॉज पेट्रोलियम मिनिस्टर, बाद में वो थोड़े अरसा मैंने उनके साथ एज प्राइम मिनिस्टर भी काम किया कोई 3-4 महीने, और उसके बाद फिर वो दोबारा मेरे ECC के मेंबर थे, उनसे बड़ा एहतराम का रिश्ता है। और शायद वो ये यानी उनका कहना ये हो कि मैं ये नहीं एक्सप्लेन करूँ, तो मैं दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि ECC अप्रूव ज़रूर करती है, और फिर ECC का फाइनल अप्रूवल होता है कैबिनेट आफ्टर ये जो है ना जी आपका एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है कि ये जो फैसले हैं, पहले होता था कि ECC के फैसले पर फाइनल ये कैबिनेट को जाते थे फॉर इंफॉर्मेशन ओनली,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक पॉइंट के ऊपर आ गया कि नहीं, जो काबीना है फेडरल गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर एंड दी फेडरल मिनिस्टर्स, तो उसके बाद ECC हो या कोई भी कैबिनेट कमेटी हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव केसेस की हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन की हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके जो जो फैसले वो करती है वो फिर काबीना को जाते हैं, काबीना उसको फाइनल तस्दीक करती है और मोहर लगाती है। तो उनके जाने के बाद ये मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि कोई हमने ऐसी समरी, मैं जब 9 अगस्त तक था तो अप्रूव नहीं की थी, बाकी हकीकत आ जाएगी। जी राशिदा सियाल। थैंक यू सर। राशिदा सियाल अब तक टीवी से। सर मिनिस्टर साहब, पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि सऊदी क्राउन प्रिंस MBS के पाकिस्तान के विजिट के हवाले से कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वीक का उनका विजिट ड्यू है, इस हवाले से बता दीजिए। सेकेंडली कुछ खबरें और इतलात मीडिया पर चली कि एक सियासी लीडर को ये टास्क दिया गया है कि वो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करवाए, इस हवाले से आपका कमेंट चाहिए। थैंक यू। देखिए दो सवाल मोहतरमा आपने किए हैं, एक तो सियासी आपने कहा कि किसी लीडर को टास्क दिया गया कि दोस्ती करवाए, कोई ऐसा टास्क नहीं है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यानी मैं काबीना का हिस्सा हूँ और वज़ीर आज़म साहब का अगर ऐसा कोई टास्क देते किसी को तो काबीना को और मुझे मालूम होता, तो मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। जो दूसरा आपने फरमाया कि उन्होंने रमजान शरीफ के एंड में फरमाया था कि इनिशियल मीटिंग्स हो जाएं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जो कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जब डेलीगेशन लेके आए थे मेरे रियाद जाने से पहले, और B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ये हो जाए, तो उसके बाद वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो दौरा इंशाल्लाह ड्यू है, मैं समझता हूँ कि मई में किसी वक्त भी ये हमें वहाँ से कोई फाइनल डेट्स आएंगी और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी इनविटेशन पे मेरी मौजूदगी में कंफर्मेशन की रमजान शरीफ में कि मैं बिल्कुल आऊँगा, और अभी हमारी एज फॉरेन मिनिस्ट्री चूँकि वी आर इन टच, इन चीज़ों के ऊपर हमारी जिम्मेदारियों में है ये, तो बिल्कुल उनका दौरा एज ऑफ नाउ ऑन कार्ड है, अभी डेट्स एग्जैक्टली नहीं है। खालिद महमूद साहब। यार साहब, खालिद महमूद जी एक्सप्रेस टीवी से। यार साहब, एक तो ये बता दें कि जो सऊदी विजिट हुआ अभी हाल ही में, आज उसका शायद आखिरी लास्ट डेट, उसका आउटपुट क्या है? दूसरा ये बता दें कि आपके जो सबका दौर था 16 माह का, उसमें आपने जो खासकर वज़ीर आज़म की जानिब से एक आर्डर हुआ था कि सिंध शुगर मिल की वाले से जो FBR का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम था वो आपने बंद कर दिया था, इस बारे में कुछ बताइएगा। आपका पहला सवाल, इफ यू डोंट माइंड, पहला आपने क्या कहा था? क्या सऊदी जो हालिया विजिट हुआ इसका आउटपुट? जी जी, मैं अर्ज कर, ठीक है जी, क्योंकि दो तीन हुए ना, मैंने ओवरऑल मैं बता देता हूँ। देखिए, जो जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट इज इन सीरियस थिंग टू डू, तो जो भी इन्वेस्टर है अगर गवर्नमेंट है तो वो अपना अपने लिहाज से देखती हर चीज़। हमने उनको एक मेन्यू गवर्नमेंट की तरफ से दिया, उस पर बड़ी अर्कक्रेजी हुई, बड़ी मेहनत हुई, वज़ीर आज़म साहब खुद कई मीटिंग उन्होंने चेयर की, और फिर उनको हमने जब सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, आपको याद होगा कि एक मीटिंग जो डिटेल मीटिंग थी, वर्किंग मीटिंग जिसे कहते हैं, सरीना में मैंने और सऊदी जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने चेयर की, और उसके बाद हमारे फिर ब्रेकआउट्स जो मुख्तलिफ यू नो सेक्टर वाइज वो मीटिंगें हुई हमारे मिनिस्टरों के और उनके मिनिस्टरों के दरमियान। ये जो अब दौरा हुआ है, ये बिजनेस प्राइवेट जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, बड़े ग्रुप्स हैं वहाँ सऊदीया के, ये उनके मिनिस्टर साहब उनको साथ लेके आए थे, तो हम दोनों, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो बड़े को प्रोजेक्ट्स होंगे तो वो तो गवर्नमेंट करेगी एक दूसरे के साथ, रिकोडिक है या आपका कोई पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, इस तरह के ये जो आपका ट्रेड वॉल्यूम है, जो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़नी है, जो आपकी जॉइंट वेंचर्स है, जो आपका स्कोप है एक दूसरे के साथ बायलैटरल ट्रेड की एक्सपेंशन का, वो प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर ही होगा, गवर्नमेंट फैसिलिटेट उसको करती है जैसे हमने किया। तो आपने देखा कि इसकी भी भरपूर तैयारी, पाकिस्तान के उनके जो काउंटर पार्ट्स थे उनको लाइनअप किया हुआ था, मैच मेकिंग थी उनकी बड़ी भरपूर, और मुझे आज, बल्कि मुझे नहीं, पूरी काबीना को वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि जो वज़ीर थे वो कल रात जो अशाइया था वज़ीर आज़म साहब की तरफ से उस विजिटिंग डेलीगेशन को, उन्होंने पाकिस्तान की टीम की और पाकिस्तान की जो जितनी
जो मिनिस्ट्रीज थी और जो इन्वॉल्वमेंट जिनकी थी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा जी कि वी आर इम्प्रेस्ड के पाकिस्तान किस तरह तुंदही के साथ और प्रोफेशनल तरीके के साथ और पूरी तैयारी के साथ ये काम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारा ये सबका फ़र्ज है कि हम पाकिस्तान को उधर लेके चले। जहाँ तक आपने कहा कि 16 माह की आपने बात की ना, जी जी तो वो मैं उसका जवाब देने लगा हूँ जी। देखें मैं नॉट दैट के मेरे वो वज़ीर आज़म हैं और उन्होंने मेरी तो आई एम नॉट होल्डिंग एनी ब्रीफ, लेकिन ही इज़ नोन फॉर हिज इंटेग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। 3 दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। और मैं 16 महीने में तो फाइनेंस मिनिस्टर भी था, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम FBR का था, तो मेरा भी काफ़ी हद तक बड़ा रिजिड होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को जवाब दे हम सबसे पहले, तो कोई तफरीक जो है ना वो ट्रैक एंड ट्रेस, बल्कि उन्होंने कई मीटिंग इसको बड़ा रोबोस्ट और बड़ा इसको फास्ट ट्रैक करें। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि कुछ लोग बड़ी पेटी पॉलिटिक्स में उतर आते हैं और उनको अपना ज़माना याद नहीं रहता कि उनके ज़माने में जब वो अब गवर्नमेंट में थे तो उनके खिलाफ किस किस्म की एलिगेशंस थी। मैं दोहराना नहीं चाहता, आई एम श्योर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग। तो ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से ये बात करनी मुनासिब नहीं है, और अगर कोई ऐसी बात है तो छुप नहीं सकती, और पूरा का पूरा FBR इज़ देयर। और मैं खुद यानी उसको ना सिर्फ ट्रैक एंड ट्रेस को हमने फाटा में और हर जगह पे और फिर टोबैको इंडस्ट्री पर शुगर पे लगाया, बल्कि जो लोग उससे भागने के लिए उसके डर के भागे फाटा से, सिगरेट कंपनीज को 46 के करीब थी, वो AJK में चली गई अगर आपको याद हो, और उसको उससे बचने के लिए मैंने AJK गवर्नमेंट को उसको इन्वॉल्व किया कि आप भी उसी तरह इनके ऊपर करें ताकि ये मजबूर हो जाएं। और फिर कई कंपनीज ने फिर वॉलंटरली FBR के साथ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम किया। तो हमारी हुकूमत की तो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह शफाफ एक्शन होते हैं, अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो वो ला के दिखा दें। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मोमन सर। अब्दुल्ला मोमन डॉन न्यूज़ से। डॉक्टर साहब, अफगान इंटरन गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन गया था OIC में, तो साइड लाइन पे कोई आपकी मुलाकातें हुई, क्या डिस्कस हुआ? और दूसरा ये कि पाकिस्तान इस वक्त एनर्जी क्राइसिस भी है, ईरान के भी एक दबाव है, ईरान के पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, क्योंकि अमेरिका ने भी अपने तहफ़ुज़ात के इजहार किया और सऊदी अरब भी इनडायरेक्टली अपने रिजर्वेशन शो कर रहा है। इब्राहिम रईसी जो थे ईरानी सदर, वो भी पाकिस्तान आए थे, तो इस मसले को हुकूमत पाकिस्तान कैसे टैकल कर रही है, जो ईरान का दबाव है या दूसरे मसले? थैंक यू। देखिए भाई, हम एज कंट्री हम चाहते हैं स्टेबिलिटी एंड पीस इन द रीजन। हम इसके बहुत बड़े प्रमोट करने वाले हैं, इस पर अमल करने वाले हैं, और अफगानिस्तान के साथ बहुत हमारा फोकस रहा है। माजी में जब भी मुस्लिम लीग नू हुकूमत में आई 2013-17 में, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि कई सालों के बाद जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी की मीटिंग मैं खुद जाके काबुल में मैंने की, पूरे पाकिस्तान की टीम जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज मेरे साथ गई, और उसके बाद वहाँ के जो सदर थे उस वक्त अशरफ गनी साहब, वो पाकिस्तान आए और ये सरीना होटल में उन्होंने मेरे साथ बैठ के जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये हमारी, क्योंकि ये देखें यू कॉन्ट चेंज योर नेबर्स, और फिर वो मुसलमान मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, और फिर लैंड लॉक मुल्क है, तो हम उसकी पूरी तरह हैंड होल्डिंग की। काजा 1000 बड़ी मुश्किलों के साथ हम दोनों में एग्री हुआ। मुझे याद है वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक IMF की मीटिंग में गया था, वहाँ कितनी बायोलेटर्स हमारी हुई बिटवीन हजर जाखिलवाल माई सेल्फ। तो बात यह कि हम तो हर एक के साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं। और फिर ये जो जाने से पहले कुछ हफ्ते मुझे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया, लेकिन बदकिस्मती से जो फ़ोन का जो दिन और टाइम मुकर्रर था उससे कबल एक टेररिस्ट अटैक हुआ पाकिस्तान में, और मैंने उन्हें मुझसे ताज़ियत तो की, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप इसको कंडेम भी करें पब्लिकली, वो उन्होंने नहीं किया। तो हमारी जो रिपोर्ट्स ये हैं कि हमारे जो रिसेंट चाइनीज़ के ऊपर जो अटैक हुआ उसकी मास्टरमाइंडिंग, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी ट्रिगरिंग, उसकी प्लानिंग, वो सारी अनफॉर्चुनेटली वो अफगान टेरिटरी से हुई। तो वो हमारे ब्रदरली इस्लामी मुल्क है, हमारी बहुत हम कदर करते हैं, और हम चाहते हैं कि हर एक के साथ नेबर का अच्छा ताल्लुक हो। और जो आपका स्पेसिफिक सवाल था, मेरी IAJ के साथ जो इंटरिम अफगान गवर्नमेंट है उनके डेलीगेशन के साथ मेरी गैम्बिया में मैंने गिनवा दी है जो मेरी 12 बायलैटरल्स हुई हैं,
इससे ज़्यादा मुमकिन ही नहीं था, तीन चार से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन मेरी उनके साथ कोई, मैंने बाई दी वे उनका कोई जो डेलीगेशन है वो देखा भी नहीं है। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, मेरी वहाँ जितनी कोई 18 घंटे 19 घंटे 24 घंटे में हर दिन एक्टिविटी थी, हर वक्त और हर जगह मेरी डेलीगेशन की, मेरी तो अगर वो कहीं होते तो ज़रूर देखता मैं, मैंने नहीं देखा, हो सकते आए हों, लेकिन मेरी उनके साथ कोई एंगेजमेंट। दूसरा एनर्जी की बात की, और आपने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात की। देखें, अमेरिका का कहता है और दूसरे ममालिक का कहते हैं, हमने अपने अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है, हमने अपनी कमिटमेंट्स को देखना है, हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रख के हुकूमत ने फैसले करने हैं कि जी हम क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। इट कॉन्ट बी डिक्टेटेड ऑन अस, और ना ही हम किसी की जो है वो क्या कहते हैं उसको वीटो इस्तेमाल किसी को करने देंगे। पाकिस्तान इज़ अ सॉवरन कंट्री, और हम जिस तरह दूसरों की सॉवरनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्ट कि हर बंदा जो है, हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान की सॉवरनिटी को रिस्पेक्ट करे और उसको उसकी इज्जत और तौकीर करे डिग्निटी के साथ। तो इसका फैसला जो है वो ज़ाहिर है कि हुकूमत इसके हवाले से करेगी। आपने देखा कि जब सदर साहब तशरीफ लाए थे ईरान के, जो एक जनवरी में जो एक वाकया हुआ था, वो काफ़ी हद तक चूँकि फॉरेन मिनिस्टर आ गए थे, तो हमने वो एक मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं था, वहाँ के कुछ टेररिस्ट ने वो काम किया और हमने भी फिर उनको, हमारे भी जो अदारे हैं उन्होंने फिर भरपूर काउंटर जवाब भी दिया। तो आपने देखा कि सदर जो ईरान थे, बड़े पुरखलूस उनकी विज़िट थी, हमारे बड़े प्यार के उनके साथ तमाम मीटिंग्स और डायलॉग्स हुए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक इशू है, इसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। और इसमें जो आपने कुछ रेफर किया दूसरे मालिक की सैंक्शन, वो चीज़ें, इस सारी चीज़ों को पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जो होगा वो ये हुकूमत इंशाल्लाह ये शबाज साहब की क़यादत में करेगी। बहुत शुक्रिया। आई थिंक सॉरी क्या जी, आप बड़े अकलमंद हैं, आप जो मर्जी इंटरप्रेट कर लें। थैंक यू वेरी मच जी। जी मेरी चाइनीज मेरे काउंटर पार्ट जो है फॉरेन मिनिस्टर साहब की मेरी इनविटेशन मुझे आई हुई है और उनके साथ हमारी डेट तय हो गई हैं। मेरी वहाँ 13, 14, 15 स्ट्रेटजिक डायलॉग अपने काउंटर पार्ट और उनकी जो लीडरशिप है उनके साथ है, और मेरे मैसेजेस जो हैं जो प्रेसिडेंट शी के एनवॉय के तौर पे ओएसी पे आए थे, ना सिर्फ उनके साथ तफसील से मुलाकात हुई, मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए उनकी लीडरशिप के हवाले से। तो इंशाल्लाह 13, 14, 15 है और 16 को वापसी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।